हेलो एवरीवन, इट्स मी रूपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अलखोर सिटी में एक नया पांडा हाउस ओपन हुआ है। आज मैं वही विजिट करने वाली हूँ जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड पांडा हाउस है। एंड कतार बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द मिडिल ईस्ट टू हैव जायंट पांडास। वेलकम टू पांडा हाउस पार्क। द पार्क इज लोकेटेड एट अलखोर सिटी अराउंड 35 किलोमीटर अवे फ्रॉम दोहा। This park open daily from 9 a.m. to 5 p.m. and tickets sell at 50 rial per adult and 25 rial for children. But tickets need to be pre-booked and purchased using the ONU app because this is the only way to purchase tickets as of now. पार्क में एंटर करते ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर दिखाई देगा जिसमें पांडा, ऑरेक्स एंड डेजर्ट रोज है। इस पांडा हाउस पार्क को GSAS सर्टिफिकेशन भी मिला है जो कि है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असिस्टमेंट सिस्टम। यही है हमारा मेन पांडा हाउस जो माउंटेन शेप में डिजाइन किया है और जिसमें दो क्यूट से पांडास हैं। लेट्स गो टू मीट द वर्ल्ड्स क्यूटेस्ट एनिमल। Like I said, this is a biggest panda house park in the world. इसका total area है 120,000 square meter with lots of trees and bamboo plants, जो कि इनका main meal होता है। ये है male panda garden, जिसमें 4-year-old male panda है, जिसका original नाम है Jing Jing in Chinese language और अब Arabic new name है Suhail. But where is Suhail? I can't see him. There he is. इन दोनों के ही separate garden areas है जिसका design बहुत ही beautifully किया है to mimic their natural habitat, जिसमें pond, bamboo trees ये सब कुछ है। Some trees from Chinese forest were also brought and cultivated inside the shelter and creates a peaceful living environment for one of the world's rarest mammals. सुहेल तो अभी रिलैक्स कर रहे हैं, लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम। अब हम चलते हैं हमारी फीमेल पांडा से मिलने। ये है फीमेल पांडा गार्डन, जिसमें 3 years old फीमेल पांडा है, जिसका ओरिजिनल नाम है सिंहाई इन चाइनीज लैंग्वेज और अब न्यू अरेबिक नेम है तुरैया। जैसे कि हम सबको ही पता है कि वर्ल्ड में लिमिटेड पांडा से, फिर ये पांडा यहाँ आए कैसे? एक्चुअली ये पांडा इनको चाइना ने गिफ्ट किए है बिफोर फीफा वर्ल्ड कप। यहाँ की हर एक चीज इन्हीं के हिसाब से डिजाइन की है, फ्रॉम टेम्परेचर टू इंटीरियर एवरी सिंगल थिंग इज टेकन केयर वेरी ब्यूटीफुली। अब हम सेकेंड फ्लोर पे जाते हैं जहाँ एजुकेशन रूम एंड कैफेटेरिया है। यहाँ बच्चों के कुछ स्केचेस भी रखे हुए थे जिनमें उन्होंने उनका इमेजिनरी पांडा ड्रॉ किया हुआ था। ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे फीफा वर्ल्ड कप। Let's go to cafe now. देखते हमें यहाँ क्या मिलता है। यहाँ कैफे में हर एक चीज पांडा थीम की ही है। Thank you.
ये एजुकेशन रूम है, काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बच्चों से कलरिंग करवाते हैं और वही यहाँ पे डिस्प्ले भी करते हैं, प्लस यहाँ फेस पेंटिंग भी होती है जो एब्सोल्युटली फ्री है। इन दोनों के बेडरूम्स भी है सेपरेटली बेसमेंट में। यह है तुरैया का बेडरूम जिसमें जायंट साइज बेड भी दिया गया है। एक स्मॉल विंडो भी है दोनों बेडरूम के बीच में, सो दे कैन सी ईच अदर एंड से हाय। बेडरूम को ही अटैच इनके पर्सनल गार्डन है। यस, पर्सनल गार्डन। और ये है सुहेल का बेडरूम जिसकी बेड साइज किंग साइज नहीं है बल्कि जायंट पांडा साइज है। टाइमिंग्स के लिए ये बहुत ही पंक्चुअल है, 5 o'clock के बाद ही अपने बेडरूम में आ जाते हैं फॉर रेस्ट। पर ये जो भाई साहब है सुहेल, जब से मैंने इनको मॉर्निंग से देखा है टिल नाउ, ये सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो है बांबू खाने का। ही इज सो क्यूट। यहाँ एक पांडा हाउस गिफ्ट शॉप भी है। यहाँ सब कुछ ही पांडा थीम का है, जैसे कि टॉयज, नोटबुक, टी शर्ट्स, मग्स, पेन और बहुत कुछ। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।